एदमन नोखिदी एदमन नोखिदी एदमन नोखिदी एदमन नोखिदी एदमन नोखिदी एदमन छुनोखिदी एदमन नोखिदी हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं बिजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। बाहर देख सकते हो कितना जोर से बारिश आया है और बहुत ज्यादा बादल गरज रहा है। तो पता नहीं आज क्यों बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और चलो बाहर की सीनरी थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसा बारिश हो रही है। अमायरा को भी देखो बारिश देखना है, मुझे इशारा कर रही है कि इसको बाहर जाना है। और बाहर इतनी जोर से बारिश हो रही है। और ये देखो ये यहाँ पे खेल रहे हैं। और देखो कितना जोर से बादल गरज रहा है, इसलिए मैंने इस डोर को ना बंद करके रखा है। और अमायरा बिल्कुल बात नहीं सुन रही है। ये देखो मेरा हाथ पकड़ के फिर से बोल रही है दरवाजा खोलने के लिए। क्या हुआ बाबा? तो मैं उसको ना, बाप रे बहुत ज्यादा फ्लशिंग हो रही है, तो मैं इसको अभी किचन की जो ये खिड़की है यहाँ से बारिश दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी में तो सुनाई दी आवाज, बहुत जोर से बादल कड़क रहा है। तो बाहर जो बालकनी है, बालकनी में मैं अमायरा को लेके नहीं जा सकती, बहुत जोर से बारिश हो रही है और उसका जो पानी है वो बालकनी तक आ रही है। इस वजह से मैंने अमायरा को वहां से लेके आ गई। और यहाँ से शायद आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने बाहर का जो नजारा देखा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितनी जोर से बारिश हो रहा है। अच्छी तरह से सब कुछ तो दिखाने दो कि कैसे हमारा का बर्थडे का ये प्रेजेंटेशन हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 11 बजे है और सुबह सुबह हमें लोग जल्दी से सारे काम जो था वो कंप्लीट करके अभी हम लोग निकले हैं बिग बाजार के लिए, क्योंकि कुछ दिन से मैं बिग बाजार जाना चाहती थी और मेरे लिए कुछ खरीदना चाहती थी, क्योंकि मेरे जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं, जो सारे टी शर्ट वगैरह मैं पहनती हूँ या फिर पजामा पहनती हूँ, उसका बहुत बुरा हाल है। और अमायरा देखो उसको पीछे ना, ये पीछे ये रखा है अपना पापा का बोर्ड, ये वाला चाहिए उसको, तो इसीलिए ये टीथिंग की वजह से ना इसका जो वो बुरा हाल हुआ, उसका बुखार हुआ, उसके बाद से ना ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो गई है। ऐसे इरिटेट करती है, उसको कुछ चाहिए होगा तो उसको अभी चाहिए, बहुत जिद करने लग जाती है, तो ऐसे ही इरिटेट कर रही है। तो मैं जैसे बता रही थी कि बिग बाजार जा रही हूँ, मेरे जो घर में पहनने वाला जो कपड़े है उसका बुरा हालत है, इसीलिए कुछ खरीदारी करने के लिए जा रही हूँ। कभी भी बाहर निकलना होता है और एक घंटे में हमें वापस आना होता है, क्योंकि अमायरा का खाना का टाइम हो जाता है, सोने के टाइम हो जाता है। सब कुछ मेंटेन करते हुए हमारे घर के पास ही जो बिग बाजार है मेट्रोपोलिस मॉल में, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं वहां से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि अभी 11 बज गया है और 12:30 बजे तक मुझे घर लौटना ही होगा, क्योंकि अमायरा का लंच का टाइम हो गया होगा।
गया हमारा मार्केटिंग, हमने कुछ डेली वेयर के कपड़े ले लिया है और कुछ जरूरत का सामान ले लिया है। हमें यहाँ हर 2000 की मार्केटिंग में ये वाला गोल्डन हार्वेस्ट का जो आटा है वो फ्री में मिल रहा है, तो हर 2000 में ये आटा फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग बिग बाजार से आए उसके बाद आप लोगों से बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला, क्योंकि 12:30 बज चुका था और अमारा को लग चुकी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी करके अपना कपड़े वपड़े चेंज कर अमारा को मैं लंच करवाने लग गई थी। अमारा अभी पीछे खेल रही है और एक्चुअली अमारा को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि उसको ना मैं सुबह के ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक जो फ्रूट्स होता है वो देती हूँ, लेकिन आज मैंने कोई फ्रूट्स दिया ही नहीं, क्योंकि फ्रूट्स खिलाने में मुझे आधा घंटा टाइम लग जाता और हम बिग बाजार नहीं जा सकते थे। अमारा आज लेट उठी थी, सो जो सुबह का ब्रेकफास्ट था वो भी मैंने 10 बजे के बाद ही दिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो फ्रूट्स का जो किस्सा है वो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और हम लोग जब बिग बाजार से लौट आएंगे उसके बाद हम उसको लंच खिलवाएंगे। तो वही सोच के हम लोग निकली थी, इस वजह से उसको 12:30 बजे बहुत ज्यादा भूख लग गई। और फिर ना उसने क्या किया, वो मुझे ड्रेस चेंज नहीं करने दे रही थी, क्योंकि उसे पता है कि ये घर वाला ड्रेस है और घर वाला ड्रेस अगर मम्मी पहनेगी तो फिर मम्मी बाहर नहीं लेके जाएगी, तो बाहर वाला ड्रेस मम्मी को पहन के रखना चाहिए। तो वो मुझे बिल्कुल चेंज नहीं करने दे रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन फिर मैंने चेंज कर लिया और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी करके उसको लंच खिला दिया, उसके बाद मैंने लंच किया, उसके बाद उसको जल्दी से नींद आ गई और उसको मैंने सुला दिया। और आप सबको पता है उसको वो सोने के बाद मैं कोई वीडियो नहीं कर सकती क्योंकि वो जग जाएगी, इसीलिए। तो ये रहा सारे कपड़े जो कि मैंने अनपैक किए, जिसमें से मेरा 4 टीज है और पजामा मैंने लिए है घर में पहनने लिए, वो भी 3 लिए है, एक जींस का पैंट लिया है और फिर एक कुर्ती लिया है, कुर्ती नहीं टॉप लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉप में एक बार आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, ये वाला टॉप मैंने लिया है, मैं दिखाती हूँ। जी ये अच्छा लगा बहुत, मतलब सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और मैं बहुत दिन से रेड टॉप ढूंढ ही रही थी तो मुझे मिल गया। और भी कुछ चीजें लिए हैं बिग बाजार से जो कि मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि वो सुप्रियो आके उस रूम में ऊपर रख दिया है तो अभी मैं नीचे नहीं उतर सकती, तो मेरी बहुत जरूरत का एक सामान है जो कि मैंने लिया है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखो अमायरा क्या कर रही है, मैं किचन में गई थी खाना बनाने और यहाँ पे आके देखा ये सारे पोटैटो जो है, ऑनियन जो है, सबको ये तहस नहस करी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि चावल के जो डब्बा का जो कैप है उसको तुम खोल के दो। मैंने खोल दिया, मुझे लगा चावल तो नीचे है, इसका हाथ नहीं जाएगी, लेकिन देखो चावल इसने सारे निकाल लिया और एक एक चावल को ज़मीन से उठाकर ये मुँह में डाल रही है। मुझे मना करना चाहिए लेकिन मैंने मना नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अमायरा कुछ नीचे से उठाकर मुंह में डालती नहीं है, पहले दफ़ा देख रही हूँ कि ये कुछ अपने हाथों से खाने की कोशिश कर रही है, तो ये मैं उसको मना नहीं कर पाई इसलिए पहली दफ़ा ये खा रही है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी तो मैंने वीडियो बना लिया।
हे गाइस, अभी 10 बज गए हैं, हमारा डिनर हो चुका है, हमारा का भी डिनर हो चुका है। आज मैंने मटर का सब्जी बनाया था, साथ में आज था रोटी। तो हमने अभी अभी डिनर कंप्लीट करके अभी मैं आकर बैठी हूँ और बहुत ज्यादा टायर्ड लग रही हूँ। लग रहा है ना मेरे सेटल टायर्ड जैसा, क्योंकि बहुत ज्यादा थकन हो गई आज। फिर खाना वाना भी बनाना पड़ा, फिर घर का कुछ काम था, कपड़े समेटना ये सब था, ये भी करना पड़ा, फिर हमारा को भी टाइम देना होता है। तो ये सब करके मैं अभी बैठी हूँ वीडियो का एंड शूट करने। तो मुझे लगा कि एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं कह रही थी ना कि अमारा को टीथिंग हो रही है, उसकी वजह से अमारा को थोड़ा सा दर्द होता होगा, इसीलिए वो इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा उसको और इतना ज्यादा वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो ये ना अभी थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब पिछले दिनों जितना हो रहा था उससे थोड़ा सा कम हुआ है। एक्चुअली मैंने डॉक्टर से भी बात की थी, लेकिन डॉक्टर ने किसी कोई भी दवाई मुझे सजेस्ट नहीं किया था। फिर ना मुझे माँ हूं ना, हाँ थोड़ा सा मतलब हमेशा उसके लिए टेंशन लगा रहता है कि क्या किया जा सके, जैसे कि बेटी की ये प्रॉब्लम दूर हो सके। तो मैंने क्या किया, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि जब भी टीथ का कोई प्रॉब्लम होता है कि आप ठंडा पानी से सिकाई करो या फिर ठंडी ठंडी चीज खाओ, तो मैंने ऐसा ही किया कि अपना रुमाल जो है वो बर्फ पानी में गीला करके उसको मैंने हाथ में ऐसे रब करके लेके इसको फिर उसके मसूड़े में उसको थोड़ा सा प्रेस कर रही थी, लेकिन वो नहीं करने देती है। तो वो बिल्कुल भी अपने मुंह में किसी को हाथ नहीं डालने देती है। तो बहुत मतलब मुशक्कत करने के बाद मैं उसका ब्रश करवाती हूँ उसके मुंह में हाथ डालकर, अभी तक, क्योंकि अभी तो छोटी छोटी दांत निकला है तो उसको ब्रश भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने उंगली से ही जितना हो सके उतना करती हूँ। तो वो नहीं करने देती है, मुंह में बिल्कुल हाथ नहीं डालने देती है। तो मैंने सोचा कि एक दवाई हो जाता जिससे थोड़ा सा उसको इरिटेशन जो है उसका कम हो जाती तो अच्छा होता। तो इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की, लेकिन डॉक्टर ने भी कोई दवाई सजेस्ट नहीं किया। फिर ना मैंने गूगल सर्च किए और गूगल सर्च करने के बाद मुझे ये दवाई के बारे में पता चला है। ठीक है, ये होम्योपैथी दवाई है जिसके बारे में तो शायद ही आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये दवाई बहुत अच्छा है। मैंने गूगल सर्च करने के बाद पता चला कि होम्योपैथी में ये मेडिसिन जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बहुत सालों से ये चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ये एक्चुअली मेनली कैल्शियम की दवाई है, लेकिन टी टूटने पर अगर इसे दिया जाए तो बच्चों को इरिटेशन कम होता है और उसका बोन्स भी मजबूत होते हैं और उसके टीथ भी मजबूत होते हैं, इसीलिए ये दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अमेरिका के लिए ये लाया जाए। फिर मैंने सोचा कि एक बार इसको YouTube में सर्च करके देखते हैं कोई इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। फिर मैंने इसको YouTube में डाला और फिर YouTube में मुझे एक प्रसिद्ध ब्लॉगर का ब्लॉग नजर आया जिसमें वो कह रही थी कि उसने भी अपने बेटे को यही दवाई दिया था। फिर मैंने लगा कि हाँ, वो जब कह रही है उसने दिया था, फिर मैंने सुप्रियो को तभी मैंने ऑफिस में कॉल लगाए कि सुप्रियो प्लीज ये दवाई तुम लाओ। ये मैं आप लोगों को बोल रही हूँ शायद 3-4 दिन पहले की, मतलब शायद था थर्सडे की बात मैं कर रही हूँ। तो फिर मैंने सुप्रियो को फोन करके बताया कि तुम एक बार देखो ये दवाई, अगर तुम्हें मिलता है तो लेके आओ। फिर वो भी जाके डॉक्टर से, मतलब जो होम्योपैथी जो दवाखाना था वहां पे भी एक डॉक्टर बैठते हैं, तो उससे भी जाकर पूछा, तो वो डॉक्टर कह रही कि हाँ ये तो बहुत सालों से चले आ रही है, बहुत अच्छा दवाई है, तुम ले जाओ, ये आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो लेके आए और ये जो दवाई है छोटा छोटा दाना है मेडिसिन का, जो सुबह दो गली लेना पड़ता है और शाम को दो गली लेना पता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। तो वो देने के बाद अमायरा को थोड़ा सा नींद भी अच्छा आ रहा है और फिर अमायरा का इरिटेशन जो है वो कम भी हो गया। इसमें कोई नींद वाला चीज नहीं है, लेकिन जब भी बच्चों का दर्द कम हो जाता है, इरिटेशन कम हो जाता है, तभी वो अच्छे चैन के नींद सो पाती है। तो अभी अमायरा 2 दिन से अच्छी सो रही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाता है, लेकिन अच्छा हो तो माँ को ही अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा अगर अमायरा का थोड़ा सा इरिटेशन कम हुई है। तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो तो आप ऐसे दवाई जो है ये वाला दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये कोई डॉक्टर जो है वो सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मेरे बेटी को काम आए हैं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये हर किसी को काम आएंगे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काम तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों में कोई ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो ऐसे दवाई आप दे सकते हो अपने बेटे को।
तो चलो दोस्तों, कैमरा पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस एंड स्टे ब्यूटीफुल। और प्लीज मेरे ब्लॉग को छोड़ जाने से पहले एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। गुड नाइट।